तो ये ग्रेडर हमारा चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप लोग घर से बैठ के मेरा वीडियो देखें। और हम जा रहे हैं अभी ड्यूटी, क्योंकि हम लोग को कोई छुट्टी नहीं मिली आज की, और हमने कर रहे हैं अभी अपनी ड्यूटी के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैस में आज क्या बना है, और उसके बाद में हम निकलेंगे अपनी ड्यूटी के लिए। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मैस में, और मैस में बना है जीरा राइस, देख सकते हैं। भाई खा रहे हैं जीरा राइस, हम भी खा ले जीरा राइस जब तक आप रेस्ट करें। तो दोस्तों, जीरा राइस खा के अच्छा लगा आज, इसका जीरा राइस अच्छा बना था। अब हम निकलेंगे अपनी साइट के लिए, और आपको दिखाते हैं समृद्धि महामार्ग। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और वहाँ से हम निकलेंगे अपनी साइड के लिए। तो दोस्तों, इस गाड़ी से हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग हैं चार जन, देख सकते हैं चार आदमी जा रहे हैं वो चेहरा वाले कक्कू की गाड़ी से, और ये खा रहे हैं तम्बाकू। देखो दोस्तों, तम्बाकू खाना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ये वही है जिनने राजश्री छोड़ी थी तम्बाकू चालू करने की। अभी हम निकलेंगे साइड के लिए, और आपको दिखाते हैं समृद्धि महामार्ग। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी साइट पे, और देख सकते हैं यहाँ पर सब टीम खड़े हुए हैं, जो कि हम घोड़े घाट पे आए हुए हैं, जहाँ पर हमारा बेचिंग प्लांट है। और ये हमारी गाड़ियाँ जो आ रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पर यदि देखें सिक्योरिटी गार्ड लोग बैठे हुए हैं, सामने खड़ा हुआ है हमारा ग्रेडर। ग्रेडर में आपको पास से दिखाता हूँ। और ये दोस्तों हमारा कैट ग्रेडर 120K2, जो कि बहुत ही हेवी ग्रेडर है। ग्रेडरों में सबसे ज्यादा दमदार इसी को बोला जाता है दोस्तों। ये इसकी ब्लेड, और इसका मैं फुल रिव्यू कर चुका हूँ। अभी मेरा जो ग्रेडर है उसका ये जो हाइड्रोलिक टैंक है, उसका आयल निकल गया है। ये देख सकते हैं आप, पूरे में आयल गिर चुका है। इस तरीके का हमारा ग्रेडर, बहुत ही हेवी मशीन है। किसी भी तरीके का मट्टी जो डंपर डंप कर देता है, उसको किसी भी तरीके का तोड़ देता है ये ग्रेडर। और इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, अगर आप बोले तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा इसकी। अभी देख सकते हैं इसमें हाइड्रोलिक पे ऑयल गिर चुका है, लगभग 2 से 3 लीटर ऑयल इसका गिर चुका है। और यदि घोड़े घाट में मैं आपको दिखाऊं तो ज़्यादा काम नहीं चल रहा है दोस्तों। लेबर जो है, लेबर छुट्टी मार रही है आज, छुट्टी कर ली है लेबर लोगों ने आज की मकर संक्रांति की। बट हमारे स्टाफ की छुट्टी नहीं दी है, कंपनी की तरफ से कोई छुट्टी नहीं है। खैर, अभी ज़्यादा काम नहीं चल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर यदि देखें तो हमारा बूम प्रेशर, और ये खड़ा है लोडर। बूम प्रेशर हमारा आ चुका, पानी भर रहा है। ये है बूम प्रेशर, जितने बार भी बूम प्रेशर देखा होगा बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, शोर में देखा होगा। अभी शांति में देख लें बूम प्रेशर, ये पानी भर रहा है। बूम प्रेशर में अंदर टंकी रहती है इसमें 1000 लीटर की। और इस तरीके का यहाँ पर है ना इसका, और हमारे हेल्पर साहब जो हैं पानी भर रहे हैं। ये दोस्तों, ये जैक जो है इस साइड आ जाता, पूरा इस साइड आके इस साइड आ जाता है। ये जैक है, अगर आपने पहले देखे हो बूम प्रेशर के वीडियो, तो ये है, ये साइड में हो जाते, पूरा ट्रक बन जाता है, और वहाँ पर जाता है तो पूरा खुल जाता है। ये इसका एड ब्लू टैंक,
और ये लेवल को मिलाना पड़ता है, इसको जीरो जीरो करना पड़ता है। यदि ये जैक निकालेंगे, जैक निकलने का इससे ये वाल है, इससे जैक निकल जाता है। अब बाकी चलने में पूरा ट्रक हैगा 10 चक्के का। तो दोस्तों आगे का अपडेट अब मैं दूंगा आपको, साइड में दिखाऊंगा कौन सी साइड पर क्या कंक्रीट चल रही है। मेरे को ज़्यादा नहीं लगता कि आज ज़्यादा काम चलेगा, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और साउथ में खैर ज़्यादा मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज कंपनी ने छुट्टी नहीं दी। हमें पिछले 2 साल से तो छुट्टी दे रहे थे, लेकिन इस बार नहीं दी है, क्योंकि अभी 26 जनवरी भी पड़ेगी, तो 26 जनवरी को भी छुट्टी देना पड़ेगा इनको। तो उनने सोचा होगा कि क्यों ना आज छुट्टी ना दें, तो 26 जनवरी को छुट्टी दे देंगे। इस चक्कर में शायद आज छुट्टी नहीं दी है, और हमारा भी काम चालू होगा। साइट का अपडेट दूंगा मैं इसके बाद, तो वीडियो में बढ़े रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों गाड़ी हमारी हो गई है लोड, और हम जा रहे हैं 27 नंबर चैनेज, और वहां पर जाके आपको दिखाते हैं आज 27 नंबर में क्या काम चल रहा है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और ये है दोस्तों हमारी 26-200 नंबर चैनेज है, और यहाँ पर स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है, जिसमें कि पानी यदि आए तो मिट्टी को बहा के ना लेके जाए। और ये इस तरीके से ड्रेन है कि बाजू बाजू हर जगह आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है, पत्थर को मतलब इस तरीके से लगाया जा रहा है कि जिसमें कि पानी यदि आए तो मिट्टी को बहा के ना लेके जाए। और आगे साइड को नहीं हुआ ये काम, ये ऊपर है हमारा एक्सप्रेस वे, ये 26 नंबर चैनेज है हमारा 26, और अभी मैं जाऊँगा 27 नंबर, तो आपको 27 नंबर में दिखाता हूँ वहाँ पर क्या काम चल रहा है। और यहाँ पर यदि देखें दोस्तों, ये है हमारी 27 नंबर चैनेज है, ये हमारी चैनेज है 27548। यदि मैं आपको दिखाऊँ तो ये ब्रिज में लिखा है, ये पढ़ सकते हैं आप, 27548 नंबर चैनेज है हमारा। और यहाँ पर मिट्टी बेड बन रहा है दोस्तों, बेड बनाया जा रहा है। इतनी ऊंचाई ऊंचाई में चढ़ते दोस्तों एक लाइक कर दिया करो। ये देख सकते हैं ये ग्रेडर हमारा चल रहा है, ये हमारा विमल का ग्रेडर, एक ये ग्रेडर चल रहा है, और एक वहाँ पर यदि आप देखें तो वहाँ पर भी विमल का ग्रेडर चल रहा है, और डोजर भी है साथ में, वहाँ पर डोजर भी चल रहा है। ये हमारा 27 नंबर बेड, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा काम रह गया है, बाकी मिट्टी डली रही है रेगुलर। ये हमारा 27 नंबर चैनेज है, और यहाँ पर मिट्टी डलने का काम चल रहा है। और ये हमारा कमस्तु का ग्रेडर, वैसे तो बहुत स्पीड से चलता है दोस्तों ये ग्रेडर, जितना आगे चलता है उतना ही पीछे भी स्पीड में चलता है ये। बल्कि विमल वाला हमारा धीरे धीरे चल रहा है। दोस्तों अभी मैंने आपको गेट का ग्रेडर दिखाया, आपको मस्त हुआ ग्रेडर देख लीजिए चलते हुए। और दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ बूम प्रेशर के पास, क्योंकि सामने यदि आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पर है बूम प्रेशर, यहाँ पर हमको जाना है, और हम जाते हैं बूम प्रेशर के पास, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं बूम प्रेशर का भी वीडियो कि वहाँ पर काई की कंक्रीट चल रही है। ये था हमारा 27 नंबर बेड, अब हम जाते हैं आगे। दोस्तों 27 नंबर में हमारी होनी है गटर की कास्टिंग, तो जो गटर दिख रहा है ऐसे ही गटर की कास्टिंग होगी, और सामने अगर देखें तो हमारा क्यूब भरा जा रहा है। यह गटर बड़ा वाला गटर है यहाँ पर,
और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई भी कभी भी रोड बनता है तो उसमें बड़े बड़े सरिये लगाने पड़ते हैं। देख सकते हैं ये 25 mm के सरिया हैं, 25 mm ये हैगा, 32 mm का सरिया देख सकते हैं। यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये है सेल कंपनी का सरिया, और ये हैगा सरिया जो है 20 mm है, ये छोटा सरिया है, बारीक वाले 8 mm है सॉरी। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कि कोई भी काम करा जाता है तो बिल्कुल सुरक्षा से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, ये है कि हमारी 27 नंबर साइट, और इस स्ट्रक्चर में ये जो सरिया है ये पूरा गिर गया था, ये पूरा खड़ा हुआ सरिया था। यदि मैं आपको वहाँ से दिखाऊं तो ये जो सरिया देख सकते हैं ये गिर गया था, और इसके नीचे दोस्तों लेबर भी दब गई थी, तो चोट आई थी बारीक, मतलब चोट तो ज़्यादा आई थी, लेकिन ये अभी काम इसका बाकी है। देख सकते हैं ये पूरा सरिया गिर चुका है, ये जो पाइप आप देख सकते हैं पूरे पाइप ये टूट चुके हैं। ऊपर से दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। सेफ्टी की बात करी जाए तो दोस्तों सेफ्टी तो फुल होती है, देख सकते हैं सेफ्टी रिबन लगा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से यदि आप देखें तो ये सरिया पूरा गिर गया था, खड़ा हुआ था वर्टिकल इस तरीके से, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ था, लेकिन ये सरिया गिर गया था पूरा। इसमें दो लेबर दब भी गए थे, उनको चोट आई, एक का पैर टूट गया था, एक के सिर में बहुत चोट आई थी। ये बात पहले की है लेकिन वीडियो में आपको अभी दिखा रहा हूँ। और यहाँ चल रहा हमारा बूम, तो अब आपको दिखाता हूँ बूम प्रेशर में के पास का वीडियो। ये हो रही दोस्तों हमारे गटर की कास्टिंग, ये देख सकते हैं ये बूम इस तरीके से आके ये गटर में कास्टिंग हो रही है। ये बड़ा वाला गटर है, इसमें लगभग 36 MQ के आसपास कंक्रीट आता है। ये हमारी 27 नंबर साइट, इसमें कंक्रीट हो रही है, रेगुलर वाइब्रेटर चल रहा है और कंक्रीट भी रेगुलर हो रही है। और इसके बाद में मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कि कोई भी रोड बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सेफ्टी की, और सेफ्टी की ही जा रही है। और दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को, भारत माता की जय दोस्तों।